हमेशा की तरह अपने वीडियो की शुरुआत चाय के साथ हो रही है। और अब मुंबई से हम राजस्थान आ चुके हैं। मैंने राजस्थान का व्लॉग एडिट किया था, मेरे फ़ोन में कुछ मेरी सिस्टर्स की फ़ोटो थी, तो वो शेयर रिसीव के चक्कर में मेरा पूरा व्लॉग्स की कॉपी और जितने भी क्लिप्स थी ना सब डिलीट कर दी उसने। इसके वजह से थोड़ी सी एक व्लॉग मिस हो गया अपना। जितने बार भी राजस्थान में आता हूँ ना, मैं मेरे बड़े भाई से बोलता हूँ कि कहीं घूमने चले, तो इनके पास 3-4 ऑप्शन रहते हैं जो आजू बाजू में है। सब एक तो भगवान के इधर, या तो एक वो पहाड़ के इधर है जिसका मैंने व्लॉग बनाया था लास्ट टाइम। तो अभी ये टाइम पे हम लोग ने कल रात को डिसाइड किया कि 4-5 फोर्ट है आजू बाजू में जयपुर के आसपास में, तो वहाँ पे जाने का। अब मुझे भी पता नहीं कहाँ पे जाएंगे और कैसे जाएंगे, देखते हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द मिस्टर माफिया यूट्यूब चैनल। और तो जैसे कि सुबह हम लोग ने इतना ट्राई किया था, कल रात को भी 2 घंटे तक हम लोग ने डिस्कस किया था कि कहाँ जाना है। फिर सुबह भी हम लोग डिस्कस करते करते शाम हो गई, शाम की बज गई 4:30। अब फाइनली हम लोग निकल रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अभी गाड़ी जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे पहुँचने वाले। चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे लेके चलते आज। हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है। सफर के बारे में खाली एक ही आदमी को पता है। हाँ भैया, कहाँ जाने वाले अपन है? अपन जाएंगे जीण माता जी के। तो देखो, हर बार की तरह जैसे राजस्थान आता हूँ, हर बार मैं माता जी के पास जाके आते हैं हम लोग, तो ये बार भी माता जी के पास ही जाके आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता, अपन आज माता जी के जा रहे हैं, जीण माता जी के जा रहे हैं। तो जीण माता जी का जो बड़ा सा मंदिर है ना, वो यहाँ पे सिक्कर के अंदर है। सिक्कर आप ट्रेन से उतरोगे, बहुत सारी ट्रेनें आती है आजकल, तो सब चारों तरफ से ट्रेन आती है सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से 35 या 30 किलोमीटर के आसपास है बाय बस या बाय ऑटो, कैसे भी जा सकते हो, इतना ज्यादा टफ नहीं है। माता जी के पहुंच गए एकदम, ज्यादा टाइम नहीं लगा ना, ट्रैफिक मिला। ट्रैफिक तो यहाँ पे जाए से भी ज्यादा मिलता नहीं है, ये टाइम पे भीड़ है नहीं यहाँ पे। थोड़ा प्रसाद लेंगे अभी और फिर चलते आगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कौन से टाइम पे ज्यादा भीड़ रहती, वो टाइम पे मैं प्रिफर नहीं करूंगा कि आप लोग कोई आए। तो भाई कौन से टाइम पे ज्यादा भीड़ रहती यहाँ पे यार? संडे को। और मेला वेला लगता है यार यहाँ पे कोई जबरदस्त? कौन सा लगता है? लगता है मेला नवरात्रि में, तो वो टाइम पे नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है यार। तो वो टाइम पे आओगे तो तुम्हारा जो इच्छा रहती है ना, वो जल्दी से पूर्ण हो सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। हम लोग को लगा नहीं था कि माताजी के दर्शन इतने जल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, और सडनली जो भी प्लान होते वो हमेशा अच्छे ही रहते, तो ये सडन प्लान था हमारा, इसलिए हम लोग जल्दी पहुँच गए यहाँ पे। और माताजी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा यार, सीरियसली अच्छा लगा यार। कभी राजस्थान आओगे तो आना जरूर, ये साइड बहुत मज़ा आएगा। अरे ले लिया अपन ने तेरे लिए, ले लिया वो, देखो भैया ने ले लिया वहाँ पे, तू रख दे वापस रख दे। हाँ वापस रख दे। देखो यार भाइयों, यहाँ पे एकदम आसानी से अपने को दर्शन हो गए थे क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे। और अभी यहाँ से निकलने का समय हो गया है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ से हमेशा आते टाइम पे कुछ ना कुछ हम खरीदते हैं, मतलब ऐसी प्रथा है कि यहाँ पे आए तो यहाँ से कुछ छोटा मोटा चीज़ खरीदनी पड़ती है, तो हमने चश्मा खरीदा है। चलो भाई हो गई, चलते हैं। माताजी के इधर से निकले हुए ऑलमोस्ट लाइक आधा घंटा हो गया, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर हम थोड़ा दूर आ गए, और जगह पे जाने वाले। अभी हम लोग अभी खाटू श्याम जी के भी जाने वाले। खाटू श्याम जी रिंगस में पड़ते हैं, रिंगस रेलवे स्टेशन पे आओगे ना आप, तो वहाँ से
भी ऑटो भी कर सकते हो, बस भी कर सकते हो, ज्यादा कॉस्ट नहीं है क्योंकि रिंग खाटू श्याम जी और रिंगस ऐसे आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस में, तो रिंगस मेरा गांव है तो हम वहीं पे जा रहे रास्ते में पड़ता है इसलिए खाटू श्याम जी के भी दर्शन कर लेते हैं इसी बहाने। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, खाटू श्याम जी के पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जहां तक मुझे लग रहा है ना कि मंदिर तो बंद है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा नहीं है कि मंदिर यहाँ पे बंद है क्योंकि चारों तरफ इतनी सारी चमक दमक है ना, चारों तरफ इतनी सारी मिठाइयां है, चारों तरफ कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीजें है अट्रैक्ट कर रही है, तो ये सब चीजें देखिए। और खाटू श्याम जी के तो बाहर से ही दर्शन कर लेंगे यार, अंदर तो कहां से जाएंगे अभी। जैसा कि मैंने बोला था, खाटू श्याम जी का दरवाजे अभी बंद है फिलहाल थोड़े टाइम, मतलब इस दिन बंद रहते हैं, तो ये यहाँ पे इनका मेन एंट्रेंस है, यहाँ से जाते हैं अपन। तो आज को तो बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे आज, तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब अंदर जाएंगे जरूर। जय जय। यहाँ पे अभी हो रही थी आरती अटेंड की, मतलब पूरे दिन अपन ने पहले जीण माता जी के जाके आए, अभी खाटू श्याम जी के जाके आए, मतलब पूरा दिन अपना भक्ति में पूरे, मतलब समझो एक दिन पूरा भगवान के नाम कर दिया अपन ने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखते हैं यार धीरे धीरे और भी काफी कुछ है यहाँ पे दिखाने लायक, तो मैं सब दिखाता हूँ धीरे धीरे, सब करवाता हूँ मैं। भैया घोड़े कैसे दे रहे हैं छोटा? ये 50 रुपए का भागेगा क्या? खाटू श्याम जी के तो दर्शन बाहर से ही किए, अभी का प्लान मेरे को कुछ पता नहीं है इसके आगे क्या होने वाला है, तो उसके आगे के लिए अभी भी चलते हैं घर पे, घर के तरफ चलते हैं, बीच में कुछ मन करेगा तो कर लेंगे कुछ और। जिमू आ गए क्या घर पे? घर पे आ गए। हाँ ऑलराइट गाइस, सो ट्रिप खत्म हो गई है, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और क्या, तभी तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।